पोहरी में चोर गिरोह का भंडाफोड़, चोरी का माल और घटना में प्रयुक्त सीएनजी ऑटो जब्त, चार चोर गिरफ्तार। शिवपुरी जिले की पोहरी थाना पुलिस ने सोमवार को एक चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर चोरी के माल और घटना में प्रयुक्त एक सीएनजी ऑटो को जब्त कर चार चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पोहरी थाना प्रभारी टीआई रविशंकर कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 अगस्त 2024 को जंडेल सिंह पुत्र ओम प्रकाश यादव उम्र 38 साल निवासी ग्राम टोरिया जागीर थाना पोहरी ने गोदाम में घुसकर अज्ञात चोरों द्वारा सरसों और सोयाबीन चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपीगण ऑटो में चोरी किए गए माल को झिरी में बेचने के लिए शिवपुरी जा रहे हैं। उक्त सूचना पर से ग्राम झिरी से आगे शिवपुरी मोड़ पर वाहन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान आरोपीगण एक अकबर उर्फ कालू खान, पिता आजाद खान उम्र 30 साल निवासी ग्राम झिरी, दूसरा हेमंत उर्फ छिनका प्रजापति, पिता बहादुर प्रजापति उम्र 25 साल निवासी गोपाल की चक्की के पास लुधावली शिवपुरी, तीन गोलू उर्फ अशोक रजक, पिता बनवारी रजक उम्र 25 साल निवासी आईटीआई के पास फॉरेस्ट कॉलोनी शिवपुरी, चार रविंद्र धानुक, पिता गुलाब धानुक उम्र 29 साल निवासी बस स्टैंड के पास शिवपुरी जिला शिवपुरी को गिरफ्तार कर आरोपियों को कब्जे से चोरी किया गया। चार कट्टे सरसों के, दो कट्टे सोयाबीन, कीमत करीबन 50,000 रुपये और घटना में प्रयुक्त सीएनजी ऑटो जिसकी कीमत 1,00,000 रुपये का माल मशरू का जब्त किया है। बाद में आरोपी गनों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर, टोरिया जागीर में अभी हाल ही में एक चोरी का मामला सामने आया है और पुलिस की तत्परता के चलते 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सर, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा है और पुलिस ने किस प्रकार इन आरोपियों तक पहुंची है और क्या जब्त किए थे? ये चंडेल सिंह यादव है जो टोरिया जागीर का रहने वाला है। इसके जो गोदाम है, जो खेत पर गोदाम बनी है जो बंगला रोड पे है, उस गोदाम से 31/7 और 1/8/24 की दरमियानी रात्रि को इसकी गोदाम की टीन सेट से अंदर घुस के अज्ञात चोरों के द्वारा चार सरसों के कट्टे और दो सोयाबीन के कट्टे, यानी 6 कट्टे चोरी किए गए थे, जिसकी रिपोर्ट जंडेल ने 4/8/24 को थाने पर की थी। तो थाना पौरी पर अपराध क्रमांक 325/24 धारा 331/4 और 305 BNS का कायम किया गया था। अब चोरियों की घटनाओं को लेकर हमने एक टीम गठित की गई थी और आज सुबह थाने पर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि जिनने चोरियां की है, जैसे अकबर उर्फ कालू खान, हेमंत उर्फ छिनका और गोलू उर्फ अशोक रजक और रविंद्र धानुक, इसमें जो अकबर खान है ये झिरी का रहने वाला है और ये तीन आरोपी हैं जो सीपरी के रहने वाले हैं। और इनके मुखबिर सूचना के आधार पर हमने आज सुबह झिरी से आगे सीपरी जो मार्ग है मोड़ पर हमने इनको पकड़ा है और ये माल बेचने जा रहे थे, ऐसी सूचना थी मुखबिर की और इस पर से हमने इनको पकड़ा और चोरी किए माल को हमने मौके से ही, और जो ऑटो थी इनने जो अपराध में जब प्रयुक्त की थी उसको भी हमने जब्त किया है। आरोपी से पूरा माल जो भी गया था चोरी में, जैसे चार सरसों कट्टे, दो सोयाबीन के कट्टे जो उसकी कीमत थी 50,000 रुपये और सीएनजी जो ऑटो जिसने घटना में प्रयुक्त है उसकी कीमत कुल मिला के 1,00,000 रुपये का जो मशरू का था, हमने इनसे जब्त किया है और आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया और जिन्हें आज हम माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं।